विषय चल रहा है, क्या किस नतीजे पे पहुंचे हैं आप और आज जलगांव में क्या प्रयोजन है आपका? करीब करीब 2 साल से मैं आमदार एकनाथ खड़से है उनके खिलाफ लड़ रही हूँ, पर कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अब हारने की और खुद की जो पावर है वो जाने की वजह से और शायद उम्र की वजह से भी एकनाथ खड़से अपना मानसिक संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, जिस वजह से वो जिस भी पॉसिबल वे है उस पॉसिबल वे से हमारे ऊपर अनाप शनाप आरोप कर रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने एक के बाद एक 2 FIR रजिस्टर की है जो एब्सोल्युटली फॉल्स फैब्रिकेटेड FIR थी। इसके पहले भी वो हमारे खिलाफ 22 जगह पर डिफेमेशन केसेस किए और वो उन्होंने खुद ने नहीं किए, अपने सपोर्टर्स द्वारा की है ऐसे बताया है। पर मेरा उनको यही कहना है, और अभी अभी आपको भी शायद पता होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने ये डिक्लेयर किया है को इस आगे से वो भुजबल के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 अस्तित्व खत्म होने के बाद लोगों ने एक साथ आकर शायद OBC के लिए नहीं पर मेरे खिलाफ लड़ने के लिए वो शायद एकत्र आए हैं। पर मेरा यही कहना है ऐसे 10 भुजबल 10 खड़से एक साथ भी आ जाएंगे तो भी हमारा मुकाबला कर नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सत्य की है। आज जलगांव ऑफिस अभी आप आए हो, जहाँ से जा रहे हो, क्या प्रयोजन है आपका? हमने ये जो FIR हमारे खिलाफ रजिस्टर हुई जो लास्ट वीक हुई, उसके बाद उनके जो बहुत करीबी इंस्पेक्टर है कडलग, वो रविवार को ही बम्बई आ गए थे हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। तो हमने उनको यही कहा था कि हम वो पूरी तरह से पेपर्स पढ़ेंगे और खुद आकर जलगांव आपको वो स्टेटमेंट देंगे, इसलिए आज हम खुद जलगांव आए हैं। हम चलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, SP ऑफिस जाएंगे, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि हमने 2 DDs चोरे हैं, माने जैसे चोरी की है 2 DDs की, कुछ स्टैम्प्स की, कुछ फोर्जरी की है। अगर हमने ये सब किया है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये इल्ज़ाम जो झूठे हैं, ये झूठे साबित होते हैं तो एकनाथ खड़से के ऊपर कार्रवाई ताबड़तोब होनी चाहिए, ये हम बोलने के लिए SP ऑफिस जा रहे हैं। खड़से ने आपकी गिरफ्तारी की मांग की है, क्या लग रहा है आपको, जलगांव पुलिस वाकई आपको गिरफ्तार करेगी आज? मर्जी उनकी, अगर उनको करना है तो ज़रूर करें, इसीलिए हम खुद SP ऑफिस जा रहे हैं। थैंक यू।